सम्माननीय अर्जुन मेघे जी, उनके द्वारा वर्ली विधानसभा के आम जनता के लिए चाहे कोई भी उपक्रम हो, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो या कोई भी उत्सव हो, खास करके हिंदू उत्सव, गणेश उत्सव, हमारा दही हंडी या नवरात्रि, एक भव्य तरीके से आम जनता के बीच में मनाया जाता है। इसलिए मैं अभिमान व्यक्त करता हूँ और अभिमान सब अपने आप को एक ऐसा नेता जिसको ऐसे कार्यकर्ता मिले उसका मुझे अभिमान होता है, अर्जुन मेघे जी जैसे, जो हमेशा ही वर्ली के आम जनता के बीच में अपने साथ देते हुए कुछ ना कुछ कार्यक्रम उपक्रम करते रहते हैं। आज आकर यहाँ पर मुझे वर्ली में बहुत खुशी मिली है और शुभम लोखंडे जी जैसे हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जो पिछले 9 साल से इस अम्बे माता जी के नवरात्रि को मना रहे हैं, तो ये गर्व के साथ मैं आज वर्ली विधानसभा में आया हूँ और पूरे मुंबई में सैकड़ों की संख्या में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता नवरात्रि का उत्सव मनाया जा रहा है। सर, आप भी युवा हैं और युवाओं के लिए आपको देख रहा हूँ, काफ़ी टाइम से आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, हम लोग पिछले 3 साल से सतत भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता महाविकास आघाड़ी सरकार जब थी उनके खिलाफ संघर्ष करते थे, उनके भ्रष्टाचार को उजागर करने का हम लोग काम करते थे और आने वाले महानगर पालिका चुनाव में आदरणीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का मेयर बने, यही प्रार्थना हम मुंबई के सभी युवा अम्बे माता से करते हैं। आने वाले दिनों में भ्रष्टाचार मुक्त जो युवाओं को इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐसा अच्छा काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के युवा ही कर पाएंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मुंबई कर के भ्रष्टाचारी शिवसेना को बाहर फेंकेगी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को, और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाएगी और युवाओं को मौका देगी। सर, आपने अब तक कितने युवाओं को जोड़ पाए? पूरे मुंबई में भारतीय जनता युवा मोर्चा के 4,870 ऐसे पदाधिकारी है, शिवाजी नगर मानखुर्द से लेके नरीमन पॉइंट तक, कुलाबा तक और यहाँ पर दहीसर तक 4,870 ऐसे युवा मोर्चा के पदाधिकारी है और हमने अभी मेंबरशिप ड्राइव की है, उसमें 2 लाख का आंकड़ा पार कर दिया और 5 लाख तक हमारी जाने की संभावना है। 25,000 हमारे पर बूथ 5 यूथ ऐसे सक्रिय सदस्य भी है युवा मोर्चा के। देखिए, शिंदे जी हमारे नेता है, हमारे गठबंधन के नेता है, महाराष्ट्र के सम्माननीय मुख्यमंत्री है और जो साधारण तरीके से वो लोगों के बीच में जाकर लोगों के काम सुलझाते हैं और लोगों का काम करते हैं, इससे हम युवा प्रभावित है और देवेंद्र जी और उनकी जुगलबंदी भी बहुत बढ़िया है, इससे महाराष्ट्र का विकास ही होगा कहीं ना कहीं और बहुत बड़ा फायदा आने वाले दिनों में महाराष्ट्र को देखने मिलेगा। हमारे जो पार्टी के वरिष्ठ नेता है श्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब, जो राज्य के उप मुख्यमंत्री है और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जो हमारे गठबंधन के जो नेता है श्री एकनाथ शिंदे जी, उनके आशीर्वाद से आज हमें एक मौका मिला है कि आज हम जो हिंदू सन है, जो दही हंडी रहने दो कि गणपति का उत्सव रहने दो, और आज डांडिया और गरबा और नवरात्रि का जो उत्सव है उसे मनाने के लिए हमें पूरा आशीर्वाद हमारे वरिष्ठ नेताओं ने दिया है और इसके वजह से आज हम ये भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर सके। किस तरह का कार्यक्रम है, कैसे, मतलब क्या क्या कुछ होने वाला है? और आज कार्यक्रम गरबा और डांडिया का है, हमने गरबा और डांडिया के लिए जो सिंगर्स है स्पेशलाइज सिंगर्स हैं उनको भी कार्यक्रम के लिए बुलाया है, वो अभी 9:30 बजे उनका भी कार्यक्रम शुरुआत होगा और अभी के लिए जो हमारे लोकल ऑर्केस्ट्रा है, जो वर्ली का ऑर्केस्ट्रा है, उनको भी हमने संधि दी है कि वो आज यहाँ पे परफॉर्म करे, तो अभी उनका परफॉर्मेंस चल रहा है और थोड़ी देर बाद हमारे जो फाइनल मेन परफॉर्मेंसेज है वो शुरू हो जाएंगे। जी, हमने प्राइस रखा है, हमने वेशभूषा कंपटीशन भी रखा है, सो उसके वजह से एक सीक्रेट प्राइस है जो आपको एंडिंग में आपको पता चलेगा। सर, आपल्याला काही सण उत्सव साजरा करते आले नाही, या वर्षी खूप धूमधडाक्यात आपण नवरात्र उत्सव, गणेश उत्सव, गोकुळाष्टमी साजरी केली, काय माहिती? माननीय आमचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब, तसेच आमचे वरिष्ठ नेते देवेंद्रजी फडणवीस उपमुख्यमंत्री यांनी आज आम्हाला 2-3 वर्षानंतर आज आम्हाला संधी दिली, त्यासाठी त्यांचे आम्ही मनपूर्वक आभार मानतो। आज आम्हाला आनंद होतो की या सगळ्या गोष्टीला आम्हाला आज 2 दिवसाच्या 12 वाजेपर्यंत परमिशन दिलेली आहे, खूप छान वाटतं आहे। 2 वर्षानंतर सण साजरे करता येतात आणि हिंदू सण साजरे करताना आम्हाला खूप आनंद वाटतो। येणाऱ्या पुढील मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत नक्कीच तुम्हाला कशा प्रकारे विजयी होईल, काय 100%? माननीय आमचे
वरिष्ठ नेते देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांनी जे काही निर्णय घेत आहे ते योग्य निर्णय घेत आहे असं आम्हाला वाटत आहे. आणि येणाऱ्या काळात खूप 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 आणि खूप जास्त संख्येने आमचे नगरसेवक येतील ही आमची इच्छा आहे. सर आप क्या कहेंगे? आज दांडिया का हमारा भव्य महोत्सव आयोजित अर्जुन दत्ता जी मेरे सर ने आज वर्ली में किया है. आज युवा मोर्चा के कार्यक्रम में हमारे मुंबई के अध्यक्ष तेजेंद्र सिंह किवाना जी इन्होंने भी उनका भव्य बयान हमें दिया है. और इस टाइम हमने एक ही संकल्प लिया है, मिशन 150 इस टाइम हम करके रहेंगे. यही देवी जी से प्रार्थना. सर पिछले 2 साल से नवरात्रि नहीं खेल पा रहे, इस बार आप किस तरह का एंजॉय कर रहे हैं? 2 साल में कोविड में कुछ कर नहीं पाई, बहुत ही लोगों में एकदम निराशा थी. पर इस त्यौहार ये तीनों त्यौहार ऐसे इतने शोरों से जोरों से हुए इसका सिर्फ पूरा श्रेय जाता है माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी देवेंद्र जी सर के लिए. और हम उनके विचारों से प्रेरित होके और ऐसे ही हम त्यौहार और जोरों शोरों से अच्छे करेंगे. अर्जुन जी के द्वारा वर्ली विधानसभा में हर जगह पे आप कोई भी जाओ, स्लम जाओ या हाईराइज जाओ, हर समय पे हर एक त्यौहार में अच्छे से अच्छे उपक्रम यहाँ पे किए जाते हैं. आज आदित्य ठाकरे यहाँ का विधायक होने के बावजूद भी आज वर्ली विधानसभा में अर्जुन जी जैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी की युवा इतने अच्छे अच्छे उपक्रम यहाँ पर कर रहे, उसके वजह से आज देखने गया तो ये जो हिंदुत्व का जो उत्सव, आज हिंदुत्व विरोधी जो सरकार ने यहाँ पर हर एक त्यौहार के ऊपर जो बंदी ला के रखी थी, आज हमारे सरकार ने जो बंदी उठाई गई है ये पूरी, और पूरा त्यौहार जो अच्छे तरीके से मनाओ और त्यौहार के ऊपर की जो भी रिस्ट्रिक्शन थे वो जो हटाए गए, उसका पूरा पूरा फायदा हमारे जैसे युवा और अर्जुन जी जैसे युवा यहाँ पर मुंबई में हर एक जगह पे वो फायदा उठा के हर एक लोगों के सामान्य नागरिक जो है यहाँ के स्थानिक नागरिक हो या फिर कोई भी धर्म के लोग हो, इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से ऐसे तरीके के उपक्रम करके यहाँ पर एक उत्साह का वातावरण निर्माण करने का काम हमारे जैसे लोग यहाँ पर कर रहे हैं. अर्जुन जी के मार्गदर्शन में ये आज भव्य दांडे का आयोजन किया गया है. पहले तो यहाँ के लोगों का उत्साह देख के ऐसा लग रहा है कि कभी कोविड आया ही नहीं था, और इतने सालों का जो जोश था वो रुका हुआ था, और आज लोगों में इतना उत्साह है, जोश है, उसको देख के एक अद्भुत अनुभव हो रहा है. और अर्जुन जी ऐसे ही उपक्रम करते रहे यही हमारी सबकी इच्छा है. आप कितना एंजॉय कर रहे हैं सर? मैं जब लोग एंजॉय कर रहे हैं इसलिए मैं भी एंजॉय कर रहा हूँ. एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और एक हिंदू होने के नाते अगर अपने भावनाओं का आदर होता है तो इसको देख के हमें भी बहुत आनंद मिलता है.